नमस्ते दोस्तों, सुतपा टुडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाया है फिश फ्राई, तो देख लीजिए कैसे बनता है फिश फ्राई। तो दोस्तों देख लीजिए, हम यहाँ पे फिश का फिले ऐसे करके पतला पतला करके काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम दे देंगे इसमें नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अभी हम दे देंगे नींबू का जूस। अभी हम इसमें ऐड करते हैं धनिया, पुदीना और हरा मिर्च का पेस्ट। अभी हम इसमें ऐड करते हैं रेड चिली सॉस, 1 चम्मच। अभी हम इसमें दे रहे हैं ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं फिश सॉस, 1/2 चम्मच। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मिक्स कर रहे हैं हम अच्छा से इसको। तो दोस्तों देख लीजिए, इसको हम अच्छा से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक तो बोल ले लिया, इसमें हम डालेंगे मैदा, 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। अब हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च। अभी हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम एक अंडा ले लेते हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छा से फेंट लेते हैं। बैटर के लिए हम इसको रेडी करके रखते हैं। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे हम ले लिया ब्रेड क्रम्स, या ये हम घर में बना लिया है ब्रेड से। ब्रेड को बस तोड़ के मिक्सी में डाल के थोड़ा सेक लीजिए, हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्रेड क्रम्स पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये रेडी हो गया बिल्कुल। अभी बनाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको हम अंडा में डालते हैं। उसके बाद हम ये जो बना के रखा था कॉर्नफ्लावर मैदा का, इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। अब इसको हम इस ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर देंगे अच्छा से। ये हम 1 टाइम ही कोट किया है, डबल कोट करने का कोई दरकार नहीं है। तो आप लोग भी चाहें तो डबल कोट कर सकते हैं, लेकिन दरकार नहीं है, तो इसीलिए हम 1 टाइम ही कर रहे हैं। तो इस तरीका से हम सब फिले को हम बना लेंगे, रेडी कर लेते हैं हम। तो दोस्तों देख लीजिए, हम सबको रेडी कर लिया, अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलिए कर लेते हैं फ्राई। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे कढ़ाई में तेल हो गया गरम। अब हम एक एक करके इसको छोड़ देंगे। इसको हम धीमे आंच में ही फ्राई करेंगे, एकदम लो आंच में, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे और ज़्यादा कम भी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये फिश फ्राई बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं एक एक करके।